Hello everyone, good morning. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. ब्रह्मास्त्र बैच लेक्चर नंबर 5 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी हायरार्की क्या होती है, मेमोरी के एड्रेसेस कैसे निकाले जाते हैं, कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप की मेमोरीज के बारे में, रैम, रोम, और फिर हम देखेंगे कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज्यादा रैम चिप लगा दी जाए तो उसे कैसे एक्सेस किया जाएगा, और ये ज्यादा चिप लगाने का हमें फायदा क्या मिलेगा या क्या उसका टारगेट या गोल होता है। बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारे टारगेट क्वेश्चंस हैं जो हमें गेट में आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए और रिवाइज किया जाए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि आप लोग इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर सीरीज देखते रहते होंगे, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं लेक्चर्स की, COA की है, OS की है, डेटा स्ट्रक्चर की है, सी प्रोग्रामिंग की है, इनके सारे PYQs की है, इनफैक्ट DBMS की भी है, मशीन लर्निंग भी थोड़ा मैंने पढ़ाया है। तो ये सारे के सारे जो प्लेलिस्ट हैं, इनके अलावा आप लोगों को अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस पे भी बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा एक्सेस करने को, जो कि इंटरैक्टिव सेशंस के थ्रू है, जो यूट्यूब पे थोड़ा लेना मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर डिले की वजह से। तो अनअकैडमी की आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करिए, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ फ्री अकाउंट बनाना है। फ्री अकाउंट कैसे बनेगा, आप unacademy.com पे जाओ या unacademy लर्नर ऐप डाउनलोड करो, फिर गेट CSIT कैटेगरी अपना गोल सिलेक्ट करो, मेरी प्रोफाइल में जाओ, मेरा नाम सर्च करो विश्वदीप गोठी, फिर मेरी प्रोफाइल में आपको स्पेशल क्लास का एक सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको सारी वो क्लासेस मिलेंगी जो एब्सोल्युटली फ्री है। रैपिड फायर्स मैंने कुछ दिनों में कंडक्ट कराए हैं, पिछले कुछ दिनों में, आप उन्हें देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये क्लासेस जो हैं आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, आपकी लर्निंग को इम्पैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये क्लासेस ऑर्गेनाइज की हैं आपको वहां से पढ़ के मल्टीपल डायमेंशंस में फायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉप एजुकेटर्स की लाइव रिकॉर्डेड सारी की सारी क्लासेस एक्सेस करने को मिले अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लर्निंग कर पाए अपने मुताबिक, अपनी टारगेट के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के चार ऑप्शंस मिले, एक सब्जेक्ट को चार अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से पढ़ने का मौका मिले कि कौन सा तरीका मेरे लिए परफेक्ट है। टीचर परफेक्ट होना ऑलवेज अच्छा है आपके लिए, बट एक टीचर आपके लिए परफेक्ट होना इज समथिंग लाइक यू हैव द चॉइसेस कि मेरे लिए ये सर की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, ये मैम की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, ये लेक्चर सीरीज अच्छा है। ऐसे आपको अलग अलग टाइप के लेक्चर सीरीज अलग अलग टीचर के मिलेंगे जो आपको फायदा देंगे, इस तरीके से कि जो आपकी चाहत है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा कोर्स आप पढ़ेंगे। प्लस आइकॉनिक दोनों में अभी अप टू 50% तक सेव करने का आपको मौका है। कैसे, एक तो फ्लैट 25% का अनलॉक ऑफर है, ऊपर से आपको फ्री मंथ का सब्सक्रिप्शन है अप टू 4 months का, अगर आप 24 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, और ये आपको मिलेगा कोड लगा के VDEEP10। कोड लगाइए, सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ ये जो भी ऑफर है ये सारे अनलॉक हो जाएंगे। ये अनलॉक ऑफर आज रात तक ही बस अवेलेबल है, और इसके अलावा मेरा एक 31 अक्टूबर 3 दिन के बाद नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस कोर्स, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस में इसमें कराने वाला हूं COA की, और ये एक अलग ही लेवल का कोर्स है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में 18 सेशंस में ये पूरा COA रिकॉल भी होगा, सारे कंसेप्ट भी रिकॉल हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, सिर्फ 2 घंटे पर डे मेरे साथ थोड़ा स्पेंड आपको करना पड़ेगा। तो आप RIC कोर्स मेरे साथ ले सकते हैं, इसके अलावा आने वाले सब्जेक्ट्स के भी RIC कोर्सेस होंगे वंस दिस विल बी रीचिंग टू द मिडिल और एंड। चलिए तो सेशन स्टार्ट करें आज का। सेशन स्टार्ट करने के पहले देखें तो क्या आज हैं कौन यहां पे। सौतिक, गीता, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन यहाँ पे आज अवेलेबल हैं, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, काफी सारे लोगों ने काफी सारे मैसेजेस किए मुझे कल, यस्टरडे वॉज माई बर्थडे, और उसकी वजह से कल आपकी क्लासेस कोई हो नहीं पाई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे लिए संभाल के रखे थे और ये सारी आपने मुझे दी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चले आज का सेशन स्टार्ट करें। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी होती क्या है, मेमोरी होती है एक ऐसा
हार्डवेयर सिस्टम जिसमें हम कंटेंट रख सकते हैं और कंटेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। बट कंप्यूटर सिस्टम में एक मेमोरी हार्डवेयर नहीं लगता, अलग अलग टाइप के लगते हैं। छोटी छोटी मेमोरी सीपीयू के अंदर लगाते हैं जिन्हें बोलते हैं रजिस्टर्स। फिर अगले लेवल का मेमोरी आता है कैश मेमोरी, फिर और आता है रैम रोम मेन मेमोरीज, फिर आता है हार्ड डिस्क। इतनी सारी मेमोरी हायरार्की की जरूरत क्यों है? इतनी सारी मेमोरी की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम मेमोरी हायरार्की बनाना चाहते हैं। छोटी मेमोरी रजिस्टर, उसके ऊपर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी रैम रोम, उसके ऊपर हार्ड डिस्क। क्यों मेमोरी हायरार्की बनाने है? उसके दो गोल हैं। हम चाहते हैं कि सीपीयू की मेमोरी के लिए एक्सेस का स्पीड जो रहे वो मैक्सिमाइज कर पाए, बट साथ ही साथ अगर हम मैक्सिमम स्पीड अप अचीव करने जाएंगे या मैक्सिमम स्पीड अचीव करने जाएंगे तो हमें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसी मेमोरीज लगानी पड़ेगी जो बहुत फास्ट 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 हैं, बट हम नहीं चाहते कि हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाए, इसलिए हम एक सिंगल मेमोरी, फास्ट मेमोरी और बहुत बड़ी मेमोरी नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं, हायरार्की लगाते हैं। हायरार्की से स्पीड अच्छी मिल जाएगी, हाँ, और साथ ही साथ स्टोरेज का कॉस्ट जो है वो भी हमें मिनिमाइज करने को मिल जाएगा। तो कम पैसे में ज्यादा स्पीड, ये है हमारा टारगेट कि हम एक सिंगल मेमोरी सिस्टम नहीं लेते हुए मल्टीपल मेमोरीज लेते हैं। चलिए अब देखिएगा यहां क्या है हायरार्की। हायरार्की में क्या है, सबसे पहले इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में आते हैं सीपीयू रजिस्टर और कैश मेमोरी, फिर आती है मेन मेमोरी जिसमें आते हैं रैम और रोम, फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आपके हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडीज आते हैं, फिर आती है टर्शरी मेमोरी। यूजर्स जो हमारे जैसे हैं इस टर्शरी मेमोरी को यूज नहीं करते हैं। ये टर्शरी मेमोरी में आती है टेप ड्राइव्स, और ये जो टेप ड्राइव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं, लाइक मूवी मेकर्स या मल्टीमीडिया पे काम करने वाले लोग जिनको टीवीज में डेटा, मल्टीपल टीवीज में डेटा स्टोर करना होता है, वो पिक्चर्स जो बनाते हैं, मूवीज वगैरह बनाते हैं, मूवी मेकिंग में जो रोल्स यूज होते हैं फिल्म्स के, वो टेप ड्राइव्स होते हैं, लार्ज लार्ज स्टोरेज। हमारे जरूरत नहीं है बट वो लोग यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो मेमोरी हायरार्की है इसका क्या फंडा है। सबसे छोटी है ये, उससे बड़ा है ये, बड़ा है ये, बड़ा है ये। तो साइज की अगर बात की जाए तो मेमोरी हायरार्की में साइज ऑफ मेमोरी ऐसे इंक्रीज होती है। हम छोटी छोटी मेमोरीज इंटरनल पे लगाते हैं, टर्शियरी मेमोरी बहुत बड़ी होती है कंप्यूटर सिस्टम में। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि स्पीड का भी फंडा है, जिसकी साइज छोटी है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो एक्सेस स्पीड इस तरीके से इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा स्पीड इंटरनल मेमोरी की रहती है, ज्यादा स्पीड मतलब क्विकली क्विकली आपका क्या काम हो जाएगा, आपका एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, अगर स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इसकी स्पीड ज्यादा, इसकी स्पीड सबसे कम, तो फिर टाइम की बात करें तो एक्सेस टाइम की बात करें तो एक्सेस टाइम किसका कम लगेगा? ऑफ कोर्स जिसकी स्पीड ज्यादा उसका एक्सेस टाइम कम होगा, एक्सेस टाइम इसका ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। सीपीयू की एक्सेस की भी बात करें तो सीपीयू ज्यादा दर किसके पास जाएगा? इसके पास। उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास, सबसे कम इसके पास। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीपीयू एक्सेस देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सेस किसका होगा? इंटरनल मेमोरी का होगा, इसीलिए उसको छोटा और स्पीड वाला बनाया जाता है ताकि कॉस्ट भी कम लगे और स्पीड में भी काम हो जाए। अब स्टोरेज कॉस्ट की बात करें तो पर बिट, एक बिट को स्टोर करने के लिए किस पर्टिकुलर मेमोरी में ज्यादा और किस में कम हमें पैसा देना पड़ेगा? तो ऑफ कोर्स कॉस्ट जो है फास्टर मेमोरी की ज्यादा होगी और टर्शियरी मेमोरी की सबसे कम होती, एक बिट को स्टोर करने के लिए। ऑन एन एवरेज अगर एक बिट स्टोरेज कॉस्ट निकालें तो हमारे पास इंटरनल की ज्यादा होगी, क्योंकि ये फास्टर है इसलिए ज्यादा महंगी होती है। चलिए अगली बात, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। हम एक यहां बात कर रहे हैं एक ऐसे मेमोरी सिस्टम की जो कि है सेमीकंडक्टर बेस्ड रैम रोम टाइप की मेमोरीज, जिसमें हम मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, नंबर ऑफ सेल्स क्रॉस वन सेल कैपेसिटी। आपको याद होगा हमने देखा था कि ये मेमोरी जब बनती है तब उसमें क्या करते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे सेल्स बना दिए जाते हैं, हर एक सेल की इक्वल कैपेसिटी, ऐसा ताकि हर एक सेल का एक नंबर या एक एड्रेस हो इस तरीके से। तो जितनी भी मेमोरी सेल्स हैं
उन सबको ऐसे बना दिया जाता है, हर एक सेल का एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है। मेमोरी को रिप्रेजेंट करने में हम लिखेंगे कि टोटल भैया बताओ कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं, इनटू एक सेल में कितनी बिट आप रख सकते हो, नंबर ऑफ सेल्स इनटू हर एक सेल का कैपेसिटी, तीन इंफॉर्मेशन देगा कितनी टोटल सेल्स है मेमोरी में, एक सेल में कितना कंटेंट स्टोर कर सकते हैं, एक सेल की कैपेसिटी, और तीसरी चीज है दोनों के मल्टीप्लीकेशन से पूरी मेमोरी का कैपेसिटी भी आ जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग जिन्होंने भी लेट से ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो एक सेल में कितनी कैपेसिटी है ये, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है ये, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से टोटल मेमोरी का कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक छोटी मेमोरी है जिसमें यहां पे 8 सेल्स हैं, हर एक सेल की कैपेसिटी है 16 बिट्स की, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 क्रॉस 16 बिट की मेमोरी। आप देखिएगा 8 सेल्स हैं, हर एक सेल की 16 बिट की कैपेसिटी, 16 बिट, कितना हो जाएगा 128 टोटल बिट का कैपेसिटी हो जाएगा पूरी मेमोरी का, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, 8 टाइम्स 128 बिट हो जाएगा। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आपको टोटल कैपेसिटी भी मिल जाएगी। अब हर एक सेल को यूनिकली एक्सेस करने के लिए कि मुझे तो यही जाना है या यही जाना है या यही जाना है, सीपीयू किस सेल पर रीड या राइट करेगा, इसके लिए हर एक सेल को यूनिकली एक्सेस करना जरूरी है, और इसके लिए हर एक सेल का एड्रेस होता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ऐसे बाइनरी में राइट, तो ये क्या हो गया, सेल के नंबर या सेल के एड्रेस, हर एक सेल का एक एड्रेस। तो यहां पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी उतनी ही नंबर ऑफ मेमोरी में एड्रेसेस होंगे, इस सेल का ये एड्रेस, इस सेल का ये एड्रेस, इस सेल का ये एड्रेस। तो हम इसको नंबर ऑफ सेल्स की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस या मेमोरी लोकेशंस इनटू बिट्स पर लोकेशन, एक लोकेशन पे कितनी बिट्स आ रही हैं, वो एक लोकेशन पे कितनी बिट है, यहां 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 इस तरीके से। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आप यहां पे नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस क्रॉस बिट्स पर लोकेशन भी लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास टोटल इस मेमोरी में टोटल 8 एड्रेसेस, नंबर ऑफ एड्रेसेस 8 है अलग अलग, तो एड्रेस बिट कितनी आएंगी, 000 से लेके 111, 0 से 7 एड्रेस आ जाएगा, 3 बिट का एड्रेस बन जाएगा। तो एड्रेस अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं, 8, एड्रेस के लिए बिट्स कितनी लगेंगी, 8 एड्रेसेस के लिए 3 बिट। सुनिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ एड्रेसेस है 8, नंबर ऑफ सेल्स जितनी उतने एड्रेसेस लगेंगे, एक एड्रेस, दो एड्रेस, तीन एड्रेस, चार एड्रेस, 8 सेल के 8 अलग अलग एड्रेस। बट अगर एड्रेस के लिए बिट्स की बात की जाए कि एड्रेस की लेंथ कितनी बिट की होगी, हर एक एड्रेस 3-3 बिट का होगा। क्यों, 3 बिट से आप 8 अलग अलग एड्रेसेस बना सकते हो। तो अगर मैंने ऐसा कहा कि किसी पर्टिकुलर मेमोरी में नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस 8 हैं, तो एड्रेस का साइज कितना होगा, उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें 3 बिट का एड्रेस तो लगेगा ही लगेगा। 16 के लिए 4 बिट का एड्रेस लगेगा सर। तो अगर यहां पे नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर x हुआ तो x बिट्स का एड्रेस आपको लगेगा, और नंबर ऑफ सेल्स n हुए तो log of n बेस 2 बिट्स लगेंगे। बट अगर n आपका 2 की पावर में नहीं है तो आप इसका सील वैल्यू ले लेना, इतनी बिट्स आपके एड्रेस में लगेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक मेमोरी है इस तरीके से, 128 के क्रॉस 16 बिट्स। क्या मतलब है इसका सर, 128 के सेल्स हैं इस मेमोरी में, हर एक सेल का एड्रेस 16 बिट का है, सॉरी हर एक सेल पे डेटा जो आप रख सकते हो वो 16 बिट का है राइट। अब 128 के सेल्स हैं, तो हमने लिखा नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई, नंबर ऑफ सेल्स यहां पे हुई 128 के। अगर ऐसा है तो एड्रेस का लेंथ कितना आएगा बताइए, log ऑफ 128 के ऑन बेस ऑफ 2। ये रहा 128 के को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 128 होता है 2 की पावर 7, के होता है 2 की पावर 10, टोटल 2 की पावर 17।
आ जाएगा 17 बिट का आपको एड्रेस लेंथ मिल जाएगा इस मेमोरी के लिए, एड्रेस की लेंथ 17 बिट की हो जाएगी। चलिए, अब दो टाइप की मेमोरी होती है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी कहती है कि मेमोरी में हर एक एड्रेस जो होगा उस पे आप एक बाइट का कंटेंट रख सकते हो, एक एक बाइट रख सकते हो। एवरी एड्रेस, ऑन एवरी एड्रेस यू कैन कीप वन बाइट। अगर आप सेल के बारे में बात करो तो हर एक सेल की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, एक बाइट की। एक एड्रेस एक सेल को मिलता है, एक सेल के अंदर जो कंटेंट हम रखेंगे वो कितनी एक बाइट का होना चाहिए, दैट इज बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। तो हर एक बाइट का एक एड्रेस होगा, या उल्टा बोला जाए हर एक एड्रेस पर एक एक बाइट रखेंगे, ठीक है। वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या होगी, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी कहेगी कि हर एक एड्रेस पे आप एक एक वर्ड रखोगे। अब सर वर्ड कितनी लेंथ का हो सकता है, वर्ड लेंथ क्वेश्चन में मेंशन होता है, वर्ड लेंथ यूजुअली एक बाइट से ज्यादा होता है इन जनरल। आप उसे फिर अदरवाइज बाइट एड्रेसेबल मेमोरी बोल दोगे अगर वर्ड की लेंथ एक ही बाइट की है तो, कि हर एक एड्रेस पे एक बाइट से आप ज्यादा रखने की कोशिश करोगे, दो बाइट या चार बाइट या आठ बाइट होगा टू की पावर में हमेशा। तो मेमोरी अगर वर्ड एड्रेसेबल है तो एक एड्रेस पर आप एक पूरा वर्ड रख सकते हो एक बाइट से ज्यादा। तो फिर इस केस में आपको हर एक वर्ड को एक 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 एड्रेस देना पड़ेगा, दैट्स वाई वर्ड एड्रेसेबल। चलिए, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन को, इसको 2 की पावर 16 लिख दीजिए, मुझे बता दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कोई आंसर आया, क्या है क्वेश्चन में, मेमोरी है 16 बिट एड्रेस बस, मतलब एड्रेस की लेंथ मेमोरी की है 16 बिट की, तो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितने होंगे। उल्टा पूछा गया है, यहां पे हमने एड्रेस निकाला था नंबर ऑफ लोकेशंस 128K से, नंबर ऑफ लोकेशंस अगर 2 की पावर 17 थी तो एड्रेस की लेंथ आई 17 बिट की। अब उल्टा पूछा है कि अगर एड्रेस लेंथ है 16 बिट की तो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितनी आएंगी, 2 की पावर 16। अब 2 की पावर 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 10 अलग से निकला उसको लिख सकते हो k, तो ये लिख सकते हो ना 64k। अगर आप नंबर में काउंट करोगे तो 65536 बनेगा, कैसे, 64 × 1024 कर दो, k की वैल्यू 1024, 2 की पावर 10, तो ये तीनों एक ही चीज है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, 64K या 65535 या फिर 2 पावर 16, एक ही बात है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा, 16 बिट का एड्रेस है और 32 बिट डेटा बस, इसको आप ले सकते हो एक सेल की कैपेसिटी, हर एक सेल पर कितना डेटा आप रखने वाले हो उसकी कैपेसिटी। बताओ आंसर क्या आएगा, आया आंसर। चलो क्या किया, हमारे पास 16 बिट का एड्रेस बस है तो नंबर ऑफ एड्रेसेस हो जाएंगे 2 की पावर 16 क्रॉस हर एक सेल की कैपेसिटी 32 बिट की। अब क्वेश्चन में आंसर क्या पूछा है, ये रहा आपका मेमोरी कैपेसिटी पूरा। अब मेमोरी कैपेसिटी को मुझे किलो बाइट्स में निकालना है,
बाइट में, तो पहले इसको बाइट में कन्वर्ट करो, 32 बिट में कितने बाइट आएंगे, 8 बिट के चार, एक बाइट आता है, 16 में दो, 24 में तीन, 32 में चार, तो 2 की पावर 16 क्रॉस 4 बाइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 होता है 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 18 बाइट्स, 2 की पावर 18 क्या होगा, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 10 अलग से किलो बाइट। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, हम लिखेंगे किलो बाइट में 256, फिल इन द ब्लैंक के लिए 256 आप आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये देखिए, 32 बिट्स वाइड मेमोरी, 32 बिट वाइड मेमोरी का मतलब है एक सेल की जो कैपेसिटी है वो 32 बिट की है, एक सेल कैपेसिटी 32 बिट की है, हैज 23 बिट एड्रेसेस टू बी एक्सेस, मेमोरी मैक्सिमम मेमोरी कितनी होगी, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है बस अलग तरीके से गिवन है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्या करेंगे, 32 बिट वाइड मेमोरी मतलब वन सेल कैपेसिटी उतनी, 23 बिट का एड्रेस है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेसेस आ जाएंगे 2 की पावर 23 क्रॉस 32 बिट्स, ये आ जाएगा मैक्सिमम मेमोरी। अब 2 की पावर 23 एज इट इज रखा, हमको बाइट में निकालना है, कैपिटल बी बाइट होता है, तो इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे 4 बाइट आ जाएगा, 4 होता है 2 की पावर 2, इसमें ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 23 इंटू 2 की पावर 2, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 23 और 2 25 हो जाएगा। अब 2 की पावर 20 अलग निकाल लो यहां से, मेगा बन जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा 32, आंसर आ जाएगा 32 मेगाबाइट, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा, ये अब बाइट और वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी से रिलेटेड है, चेक करो जरा, सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, आया आंसर, कंसिडर अ मेमोरी साइज ऑफ 8 GB, द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग द मेमोरी इज, कितनी बिट का एड्रेस लगेगा अगर मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है, अगर मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल है, पहले तो बाइट एड्रेसेबल के लिए देखते हैं। अगर 8 GB का मेमोरी सिस्टम है, हर एक एड्रेस पर एक एक बाइट रखोगे तो नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने आ जाएंगे, आठ जीबी का मेमोरी हर एक एड्रेस पर एक एक बाइट, तो आपके पास नंबर ऑफ एड्रेस आएंगे 8G, 8G मतलब 2 की पावर 8 होता है 2 की पावर 3, जी होता है 2 की पावर 30, टोटल 2 की पावर 33 एड्रेसेस, तो यहां से एड्रेस की लेंथ निकल जाएगी 33 बिट की, अगर 2 की पावर 33 एड्रेसेस हैं या सेल्स हैं तो 33 बिट का एड्रेस आ जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 33। मेमोरी नेक्स्ट है वर्ड एड्रेसेबल, वर्ड की लेंथ है 32 बिट्स मतलब 4 बाइट, अगर एक एक एड्रेस पर 4-4 बाइट आप रखोगे तो नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे, अब इस केस में ये पहला क्वेश्चन था हमारा, दूसरा, अरे अरे, नंबर ऑफ एड्रेसेस इस केस में हमारे पास आएंगे
8 GB का तो टोटल मेमोरी है, उसको हमने चार 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 बाइट के एड्रेसेस या पर एड्रेस में डिवाइड किया रखा, तो हमारे पास यहां आ जाएगा बाइट से बाइट कैंसिल, 4 से ये 2G, 2G इज 2 की पावर 2 होता है 2 की पावर 1, जी होता है 2 की पावर 30, टोटल 2 की पावर 31। तो इस बारी एड्रेस की लेंथ कितनी आएगी, सिर्फ 31 बिट का एड्रेस लगेगा, क्योंकि हर एक एड्रेस पे आप क्या रख सकते हो, चार चार बाइट रख सकते हो। तो आंसर इस केस में आ जाएगा सेकेंड वाले का 31 bits। समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज देखते हैं, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी है क्या भैया? मेन मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें करंट रनिंग प्रोग्राम और उनके डेटा रहते हैं। जितने भी आप प्रोग्राम रन करते हो सीपीयू में, उनके इंस्ट्रक्शंस और उनका जितना भी डेटा है, स्टैक हीप, सब कुछ मेन मेमोरी में रहता है। मेन मेमोरी दो टाइप की है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम रीड ओनली मेमोरी इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां पे सिर्फ रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म होता है, राइट नहीं होता इन जनरल, जरूरत भी नहीं पड़ती। बट दो चिप्स की क्या जरूरत है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रैम हम यूज करते हैं वो वोलेटाइल करते हैं और जो रोम कंप्यूटर सिस्टम में हम यूज करते हैं वो नॉन वोलेटाइल करते हैं। अच्छा, वोलेटाइल का मतलब क्या है सर? वोलेटाइल का ये मतलब है कि अगर आपने पावर ऑफ कर दिया, मतलब कि शट डाउन कर दिया सिस्टम, बंद कर दिया, पावर देना बंद कर दिया सिस्टम में, तो जो रैम का कंटेंट था वो फ्लश्ड आउट हो जाएगा, उसमें जो कंटेंट था वो रहेगा नहीं। मतलब हम रैम में सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे कंटेंट को लेके आते हैं जब प्रोसेस रन करते हैं, जब प्रोसेस रन खत्म हो जाता है तो हम कंटेंट को वहां से हटा देते हैं, सिस्टम बंद हो जाता है तो भी कंटेंट को हम वहां से हटा देते हैं। ये रोम नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि अगर आप पावर ऑफ भी करोगे तो भी डेटा परसिस्ट करता है, इरेज या आप कह सकते हैं फ्लश्ड आउट नहीं होगा, इरेज तो नहीं, फ्लश्ड आउट नहीं होता है। ठीक है, अब रोम की जरूरत है क्या? रोम की जरूरत इसलिए है कि जब आपने कहा कि रैम तो वोलेटाइल है, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम बंद कर दोगे, शटडाउन कर दोगे, तो रैम में कुछ होगा नहीं। नहीं, बट सर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो आप कंप्यूटर सिस्टम यूज नहीं कर सकते, और प्रोग्राम रन करने के लिए उनको रैम में लाना पड़ेगा। हाँ, तो प्रोग्राम लाएंगे कैसे रैम में? ओएस कैसे आएगा रैम में? बिना ओएस के तो सीपीयू चल नहीं सकता या सिस्टम चल नहीं सकता। बिना ओएस के कंप्यूटर सिस्टम हम यूज नहीं कर सकते, ओएस को तो रैम में रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। हाँ जी, तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सीपीयू अपने इनिशियल इंस्ट्रक्शंस कहां से लेता है? रोम टाइप की मेन मेमोरी से उठाता है, एग्जीक्यूट करता है। इन प्रोग्राम्स जो यहां लिखे हैं, इनसे दो चीजें ट्रिगर होती हैं, दो चीजें परफॉर्म होती हैं, और वो होता है, पहला होता है पोस्ट प्रोसेस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें कि सीपीयू ये चेक करता है कि मेरे से कौन कौन से हार्डवेयर्स कनेक्टेड हैं और उन हार्डवेयर्स का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ चेक कर लेता है सीपीयू। और उसके बाद दूसरी चीज जो होगी वो होगी बूटिंग। बूटिंग का मतलब है आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्क पे इंस्टॉल कर रखा है, इस डिस्क से ओएस को लेके आना है रैम में, ताकि ये ओएस रन कर पाए और फिर ओएस दूसरे प्रोग्राम्स को आपके लिए हेल्प कर पाए रन करने के लिए। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपको रोम से प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है। जब आप कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करते हो सिस्टम से, बट वेट करते हो कि आपका डेस्कटॉप दिखे, पासवर्ड डालो आप, तो आप सिस्टम यूज कर पाओ, है ना? पहली स्क्रीन ओएस की जब दिखती है, आप पासवर्ड डालते हो अपने सिस्टम में और आगे बढ़ जाते हो। तो यही चीज है, सीपीयू आप क्या करोगे, सीपीयू से रोम में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करोगे, पोस्ट प्रोसेस करेगा वो, बूटिंग करेगा, बूटिंग से ओएस यहां आ जाएगा। जब ओएस यहां आ गया तो फिर सीपीयू रोम को एक्सेस करना बंद कर देता है, फिर सीपीयू रैम को एक्सेस करता है, ओएस को एक्सेस करता है रैम से, और वहां से ओएस रन करते हुए आपको मौका देता है कि आप ओएस की हेल्प से दूसरे प्रोग्राम जो भी रन करना है वो रन कर लो, इंस्टॉल करना है इंस्टॉल कर लो, जो काम करना है आप कर लो। फिर उसके बाद सीपीयू रोम को एक्सेस करने नहीं जाता अंटिल द नेक्स्ट रीस्टार्ट ऑफ द सिस्टम, इसलिए रोम की जरूरत लगती है। रैम की जरूरत क्यों है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे रनिंग प्रोग्राम जो आप चाहते हो, यूजर चाहता है या ओएस चाहता है बैकग्राउंड में रन करना, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स, उनके सारा डेटा आपको रनिंग कंडीशन में रैम में चाहिए, तो उनका इंस्ट्रक्शंस डेटा सब कुछ रैम में चाहिए। सीपीयू एक एक करके उन प्रोग्राम्स को रन करता रहता है।
रैम दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम को हम एस रैम भी कहते हैं और डायनामिक रैम को हम डी रैम भी कहते हैं। डिफरेंस यहां मैं लिख के लाया हूं। एस रैम जो बना होता है वो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। फ्लिप फ्लॉप हम डिजिटल सर्किट या डिजिटल लॉजिक कोर्स में पढ़ते हैं, एक बिट को स्टोर करने के लिए काम आता है। और इंप्लीमेंटेड यूजिंग कैपेसिटर्स, डायनामिक रैम कैपेसिटर्स का बना होता है। अब कैपेसिटर में क्या है ना, एक बिट को स्टोर करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में स्टोर करते हो। अब देखो कोई टाइप का भी चार्ज हो, चाहे वो गेट स्टडी के लिए आपके अंदर एक रिचार्ज आता है या चार्ज आता है वो हो, या फिर ये कैपेसिटर्स का चार्ज हो, थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़ी थोड़ी देर में डिस्चार्ज होने लगता है। इसलिए यहाँ पे पीरियोडिक रिफ्रेश या रिचार्ज की जरूरत लगती है डायनामिक रैम में, क्योंकि कैपेसिटर्स में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, बिट्स को स्टोर करते हैं। फ्लिप फ्लॉप में उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए रिफ्रेश की जरूरत यहाँ पीरियोडिक लगने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है, जब यहाँ पे रिफ्रेश चलता है तब तक मेमोरी में रीड राइट नहीं हो सकता। तो अगर आप देखें तो रोम का अगर आप टाइमलाइन डायग्राम देखें तो यूं समझ लीजिए कि शुरुआत में कुछ रिफ्रेश का टाइम लगेगा, उस टाइम पर रीड राइट नहीं हो सकता उस मेमोरी में, फिर बचा हुआ टाइम रीड राइट हो सकता है। उसके बाद जब आप इसका एक पूरा पीरियड खत्म हो गया तो फिर से रिफ्रेश लगेगा, यहां रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के बाद फिर उस मेमोरी में रीड राइट कर सकते हो बचे हुए टाइम के लिए। फिर जैसे ही वो एक पीरियड जिस पे आपका रिफ्रेश का असर खत्म हो गया तो फिर से रिफ्रेश यहां पे करना पड़ता है। ऐसे आप क्या करते हो, ऐसे इस पर्टिकुलर रोम को या इस डी रैम को रिचार्ज करते हो। अब जबकि हमारे पास यहां पे रिफ्रेश में एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड हो रहा है जिस पे रीड राइट नहीं हो सकता, तो आप समझ सकते हैं कि इसका एस रैम का रीड राइट ज्यादा फास्टर होता है, यहां स्लो हो जाएगा। रिफ्रेश और दूसरे रीजन की वजह से स्लोअर रीड राइट होता है, इसलिए ये मेमोरी स्लो है, ये फास्ट है। अब ये फास्ट है इसलिए कैश मेमोरी के इंप्लीमेंटेशन में एस रैम टाइप की चिप का यूज होता है, और जो हमारा मेन मेमोरी सिस्टम होता है उसमें हम DR या DRAM यूज करते हैं, DDR etc. आप देखेंगे, आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगा हुआ है, तो वहां पे DDR करके लिखा होता है, दैट इज डी रैम ओनली। अब पावर कंजम्पशन की बात करें कि कितना पावर किस पर्टिकुलर रैम चिप को लगेगा, तो यहां पे दो टाइप के पावर कंजम्पशन है। एक जब मेमोरी सिस्टम में रीड राइट नहीं होता, आइडल है मेमोरी तब, और दूसरा जब मेमोरी सिस्टम में रीड राइट होता है, ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन। तो यहां पे लो आइडल पावर कंजम्पशन है। स्टैटिक रैम में अगर रीड राइट नहीं करोगे तो पावर कम लगेगा कंपैरेटिवली डायनामिक रैम के, आइडल पावर कंजम्पशन ज्यादा है यहां पे। बट अगर आप रैम को यूज करोगे, रीड राइट करोगे, तो पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हाई ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन, और इधर लो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन। चलिए फिर एक मल्टीप्लीकेशन की हमने टेबल देखी थी, एक ये चीज देखी थी कि अगर हमने एक चिप में एक मेमोरी चिप में एक मल्टीप्लीकेशन या एडिशन का टेबल स्टोर कराना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक इनपुट है 4 बिट का, दूसरा इनपुट है 4 बिट का, ये अनसाइंड इंटीजर्स हैं, ओके, अनसाइंड इंटीजर्स दोनों। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आप 8 बिट पे स्टोर कर सकते हो, डबल 4+4। और मल्टीप्लीकेशन की टेबल अगर हम बनाएं तो हर एक इनपुट का, हर एक इनपुट के साथ हमें मल्टीप्लीकेशन स्टोर करना है, 4 बिट के 16 2 की पावर 4 इनपुट्स, 4 बिट के 2 की पावर 4 इनपुट्स, इन सब का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट स्टोर करना है। तो आप समझ लो 4 बिट के एक पहला इनपुट, 4 बिट का दूसरा इनपुट, पहला इनपुट इनटू दूसरा इनपुट, पहला इनपुट इनटू दूसरा इनपुट, इस तरीके से सारे रिजल्ट स्टोर करने। अब रिजल्ट कितने आएंगे, 2 की पावर 4 इनटू 2 की पावर 4 रिजल्ट आ जाएंगे, 4 बिट के 2 की पावर 4 इनपुट्स, 4 बिट के 2 की पावर 4 इनपुट्स, इन सब के एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन, तो 2 की पावर 4 इनटू 2 की पावर 4, तो इतने रिजल्ट आ गए। हर एक रिजल्ट कितनी साइज का आया, 8 बिट का आया, तो टोटल मेमोरी का साइज क्या आया, 2 की पावर 4 इनटू 2 की पावर 4 विच इज 2 की पावर 8 क्रॉस 8 बिट का। अगर यही चीज मैं आपको n के साथ करूं तो n बिट्स के आपके पास 2 इनपुट्स हैं, n बिट्स के मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट कितना आएगा, डबल n+n 2n बिट्स का। अगर मल्टीप्लीकेशन की टेबल की बात की जाए तो 2 की पावर 2n क्रॉस 2n बिट्स का आपके पास टोटल
मल्टीप्लीकेशन टेबल आएगा। देख सकते हो 2 की पावर 2n, 2 की पावर 4 इंटू 2 8 इंटू 2 की पावर इंटू 2n, 4 के लिए ट्वाइस ऑफ 8 4 8। एडिशन की बात करें तो 2 4 4 बिट के वैल्यूज को एडिशन अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा एक सिर्फ 5 बिट का इनपुट या आउटपुट का रिजल्ट। तो अगर टेबल स्टोर करनी हुई तो एडिशन टेबल, मतलब कि आपको हर एक 4 बिट की वैल्यू का दूसरी 4 बिट की वैल्यू के साथ एडिशन का कॉम्बिनेशन का स्टोर करना है। तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 तो इतने ही रिजल्ट आ गए, 2 की पावर 8 तो रिजल्ट, हर एक रिजल्ट का साइज सिर्फ इस बारी 5 बिट का होगा। तो अगर n के लिए कॉल किया जाए तो रिजल्ट आएगा n प्लस 1 बिट्स का, और एडिशन टेबल जो है वो आएगी 2 की पावर 2n क्रॉस n प्लस 1 बिट्स। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चल, फिर हमने रैम चिप देखी थी कि रैम चिप कैसे एक्सेस होती है। तो रैम चिप में क्या होता है, एक तो रीड का सिग्नल आता है, कंट्रोल सिग्नल, राइट का सिग्नल आता है, फिर एड्रेस लाइंस आती हैं, जितनी भी लगती हैं वो, एक से ज्यादा ही लगेंगे ऑफकोर्स, फिर डेटा लाइंस आती हैं। बाई डायरेक्शनल इसलिए बनाया क्योंकि डेटा आ भी सकता है जा भी सकता है, एक से ज्यादा ही लाइंस होंगी इसमें। इसके अलावा एक सिग्नल और आता है जिसे हम बोलते हैं चिप सिलेक्ट। ये चिप सिलेक्ट इसलिए यूज होता है क्योंकि हम कम से कम 2 मेन मेमोरी चिप तो रखते ही हैं, एक रैम के लिए एक रोम के लिए। अब जो सीपीयू जनरेट करेगा एड्रेस तो कौन सी वाली चिप के लिए है, रैम के कि रोम के लिए, इसके लिए ये चिप सिलेक्ट सिग्नल यूज होता है। जिसके लिए चिप सिलेक्ट 1 हुआ है वो चिप एक्सेस होगी। तो चिप सिलेक्ट सिग्नल अगर एक्टिव है, इनेबल है, तभी वो चिप एक्सेस होगी, अदरवाइज नहीं। तो अगर चिप सिलेक्ट 1 है तो रीड राइट का फर्क पड़ेगा, वरना नहीं होता। अब चिप सिलेक्ट को इनेबल करने के लिए अलग अलग टाइप के लॉजिक लिखे जा सकते हैं, डिजिटल सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, वो एक PYQ के थ्रू हमने देखा था। एक बार आप रिवाइज करेंगे आपको बनेगा वो, ठीक है। चलो रोम चिप की बात करें तो इससे और इसमें डिफरेंस क्या आएगा। रोम चिप में एक तो आपके पास रीड राइट सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, आपको सिर्फ चिप सिलेक्ट से ही काम चल जाएगा। अगर चिप सिलेक्ट 1 है तो रोम सिलेक्ट हो गया है, मतलब कि इस रोम में रीड होगा। क्यों सर, राइट नहीं हो सकता, फुल फॉर्म क्या है रोम का, रीड ओनली मेमोरी, यहां पर सिर्फ रीड हो सकता है, राइट नहीं हो सकता। तो अगर चिप सिलेक्ट 1 है तो रीड हो जाएगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा आपको यहां पे ऑफ कोर्स एड्रेस लाइंस तो लगेंगी कि किस एड्रेस पे एक्सेस करना है, और डेटा लाइन भी आपका एक काम कर सकते हो, खाली बताने के लिए ये बता सकते हो कि डेटा लाइन जो है आउटगोइंग ही है, क्योंकि रीड करने के बाद कंटेंट यहां से सिर्फ बाहर ही जाएगा, यहां राइट तो होता नहीं है। अब अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में हम एक से ज्यादा रैम चिप लगा दे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो एक कंप्यूटर सिस्टम में 1 GB की 2 चिप लगा दिया आपने, तो क्या 2 GB इसका टोटल आपको कैपेसिटी मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। अगर 16 GB की 2 चिप लगा दी तो 32 GB का टोटल कैपेसिटी मिल जाएगा। अगर 16 की आपने 4 चिप लगाई तो 64 GB का आपको टोटल क्या मिल जाएगा, टोटल रैम मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी है कि टोटल कितनी कैपेसिटी हमें मिलेगी अगर मल्टीपल चिप्स लगाएं हम, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ चिप्स इनटू एक चिप का कैपेसिटी। एक चिप का कैपेसिटी 16 GB, और एक से ज्यादा चिप हमने यहां लगाई 4 चिप्स, तो 16 × 4 64 GB का कैपेसिटी। अगर हमें पता करना है कि चलो 64 GB का हमको टोटल कैपेसिटी बनाना है और हमारे पास एक एक चिप जो है वो सिर्फ 4 4 GB का है, तो एक चिप का कैपेसिटी 4 GB का, 64 GB यहां बनानी है, बताओ कितनी चिप्स लगेंगी। तो नंबर ऑफ चिप्स निकालने के लिए आपको यहां से इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैथमेटिकली ट्वीक करना है, टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाय 1 चिप कैपेसिटी, बस, तो आपको नंबर ऑफ चिप्स निकल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बनते हैं टेस्ट सीरीज में भी और गेट में भी एक दो बार बने,
बस याद रखिएगा कि इन दोनों कैपेसिटीज को एक ही मापदंड में, एक ही यूनिट में लेके आए हैं। अगर ये बाइट में है तो इसको भी बाइट में लिखें, अगर ये बिट में है तो इसको भी बिट में। कहीं ना कहीं दोनों को एक ही टाइप की यूनिट में लेके आएंगे तो ही आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अब यहां पे ना तीन टाइप के अरेंजमेंट होते हैं अगर आप मल्टीपल चिप्स लगाते हैं तो। तीन टाइप के अरेंजमेंट कैसे होते हैं? पहला होता है वर्टिकल अरेंजमेंट, जिसमें चिप्स को हम वर्टिकली अरेंज करते हैं। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और तीसरा होता है हाइब्रिड, दोनों का कॉम्बिनेशन। वर्टिकल अरेंजमेंट हम क्यों लगाते हैं? हमको वर्टिकल अरेंजमेंट इसलिए चाहिए ताकि हमारे पास एक एक एड्रेस पे जो डेटा है वो तो सेम ही रहे, कि एक एड्रेस पे एक बाइट रख सकते हैं। वो हमारा टारगेट भी है कि हमारी जो ओवरऑल कैपेसिटी रहेगी इसमें भी एक एड्रेस पर एक ही बाइट रहे, पर हमारे पास एड्रेसेस बढ़ जाए, नंबर ऑफ एड्रेसेस मुझे ज्यादा चाहिए। एक चिप में मान लो 128 एड्रेसेस ही आते हैं और मुझे 256 टोटल एड्रेस चाहिए ताकि हर एक एड्रेस पे मैं दो दो एक एक बाइट रख सकूं, ठीक है? इसलिए हम ज्यादा चिप लगा लेते हैं। तो वर्टिकल अरेंजमेंट क्या करता है? वर्टिकल अरेंजमेंट में हमें अगर ज्यादा एड्रेसेस चाहिए तो वर्टिकल अरेंजमेंट काम आता है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। मान लो हमारे पास 64x8 बिट का ये चिप है, 64 सेल्स हैं, एड्रेसेस हैं, हर एक सेल पे आप 88 बिट का डेटा रख सकते हो। तो 64 बाइट 128 बाइट का मेमोरी मिला, 64 एड्रेस यहां, टोटल 128 एड्रेसेस मुझे मेमोरी से सिस्टम में मिलेंगे। तो सीपीयू 128 के हिसाब से 7 बिट का एड्रेस जनरेट करेगा। 7 बिट के एड्रेस में से हमें एक चिप पे तो 6 बिट से ही सर्चिंग मिलेगी, हाँ। तो हम क्या करेंगे, 7 बिट के एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहां आएगी 6 बिट जो सीपीयू भेजेगा हर एक चिप को एज एड्रेस, क्योंकि चिप तो सिर्फ 7 बिट का, 6 बिट का ही एड्रेस समझ सकती है। तो ये एज एड्रेस लाइन जाएंगी 6 बिट की एड्रेस। अब 6 बिट की एड्रेस यहां भी है, यहां भी है, ये एड्रेस किसके लिए है? इसके लिए कि इसके लिए? इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली एक बिट को भेजेंगे एक डिकोडर पे। डिकोडर है 1 इनपुट का 2 आउटपुट वाला डिकोडर, 1x2। अब ये डिकोडर क्या करेगा, ये डिकोडर अगर ये 0 है, एक बिट 0 है, यहां पे जो भी एक बिट है वो 0 है, तो हमें ये पहली वाली चिप एक्सेस करके देगा, मतलब ये वाला चिप सिलेक्ट इनेबल कर देगा। अब ये डिकोडर का आपको वर्किंग आना चाहिए कि डिकोडर में अगर एक इनपुट 0 है तो सबसे पहला वाला 0 इनपुट 1 रहेगा, बाकी के सारे 0 रहेंगे। तो ये वाला आउटपुट चिप सिलेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पे 1 आता है तो ये वाला आउटपुट चिप सिलेक्ट इनेबल हो जाएगा। ये है आउटपुट A0, ये है आउटपुट A1। तो A0 इनेबल कब होगा, जब यहां पे 0 आएगा, और ये 1 कब होगा, A1, जब यहां पे 1 आएगा। तो एड्रेस अगर 0 से स्टार्ट होने वाला है तो 64 ये वाले एड्रेस एक्सेस हो जाएंगे, और अगर 1 से एक्सेस होने वाला है तो ये 64 एड्रेस एक्सेस हो जाएंगे। इस तरीके से हम वर्टिकल अरेंजमेंट करते हैं। हमें हर एक एड्रेस पे 8 बिट मिलेगी, बट एड्रेसेस को हम डिकोडर के थ्रू, चिप सिलेक्ट के थ्रू अलग अलग चिप से एक्सेस कर लेंगे। अब ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आप ट्राई करो जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताया उसी का ही ये पूरा डिटेल्ड वर्जन है।
बना कुछ, चलो समझते हैं। कितनी 128 क्रॉस 8 रैम चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 4096 बाइट्स। अब जब यहां पे कुछ क्रॉस करके लिखा नहीं है ना, 8 बिट है या बाइट है, तो हमेशा इसको बिट लेना। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेमोरी कैपेसिटी बिट्स में होती है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है, ये इसको 1 2 3 ले लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा, अभी थोड़ी देर पहले देखा, नंबर ऑफ चिप्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा वन चिप कैपेसिटी से। तो टोटल कैपेसिटी है ये डिवाइडेड बाय 128 क्रॉस 8 बिट्स। अब ये बाइट से ये बिट्स तो कैंसिल हो गई, 4096 होता है 2 की पावर 12, डिवाइड बाय 128 होता है 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, 32 चिप्स आ गई। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ एड्रेस बस मस्ट बी यूज्ड टू एक्सेस दीज मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो आपको एड्रेस में 12 बिट लगेंगी, 12 लाइंस या 12 बिट्स आपको लगेंगी। अब 12 लाइन क्यों? क्योंकि भैया आपके पास 4096 बाइट का टोटल मेमोरी कैपेसिटी। अब उनमें से 12 लाइन में से आप डिवाइड करोगे तो कितनी लाइंस विल बी कॉमन टू ऑल चिप्स। हर एक चिप कितनी बिट का एड्रेस समझ सकता है? हर एक चिप 128 क्रॉस 8 के हिसाब से 128 7 बिट का एड्रेस समझ सकता है। तो ये 7 बिट कॉमन होंगी या 7 लाइंस कॉमन होंगी। बची कितनी लाइन? 5 लाइन। ये 5 लाइंस कहां जाएंगी? चिप सिलेक्ट के डिकोडिंग के लिए जाएंगी। तो आपके पास दूसरी चीज है, यहां लिखेंगे 7 लाइंस कॉमन टू ऑल चिप्स। लास्ट है, हाउ मेनी लाइंस मस्ट बी डिकोडेड फॉर चिप सिलेक्ट। तो थर्ड वाला होगा हमारा 5 लाइंस मस्ट बी डिकोडेड फॉर चिप सिलेक्ट। अब 5 लाइन अगर आपको डिकोडर के लिए जाएंगी 5 इनपुट में, तो डिकोडर का साइज क्या होगा? 5 क्रॉस 5, 2 की पावर 5, 32 डिकोडर साइज होगा। ये है क्वेश्चन। चलिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट तब हमारा काम आता है जब हमारी सीपीयू बोलता है कि मुझे 128 एड्रेसेस ही चाहिए। हमारे पास जो एक चिप है उसमें भी 128 एड्रेसेस ही हैं। एड्रेसेस तो बराबर हैं कि टारगेट जो सीपीयू को चाहिए या सिस्टम में चाहिए उतना, और हमारे पास जो मेमोरी सिस्टम है उतना, दोनों में नंबर ऑफ एड्रेसेस सेम हो। जैसे कि यहां अलग था, यहां नंबर ऑफ एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट थी 128, रिक्वायरमेंट थी 4096, हमारे पास हर एक चिप में थे सिर्फ 128। हम चाहते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट भी 128 हो और एक चिप में 128 एड्रेसेस मिल जाए, बट एक चिप पे रिक्वायरमेंट ज्यादा की है और हम कम बिट स्टोर कर पाए। कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें 128 क्रॉस 16 बिट का मेमोरी सिस्टम चाहिए। एड्रेसेस है 128, हर एक एड्रेस पर 16 बिट स्टोर करनी है, बट हमारे पास 128 एड्रेसेस तो हैं पर हर एक एड्रेस पे सिर्फ 8 ही बिट स्टोर कर सकते हो। तो उस केस में आपको 16 बिट कैसे मिलेगी हर एक एड्रेस पे? इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एड्रेस जितनी बिट का सीपीयू जनरेट करता है उतनी ही बिट का एड्रेस हर एक चिप समझती भी है, बट ये एड्रेस पे हमें 8 बिट ही मिलेगी एक चिप एक्सेस करने पे। तो हम क्या करेंगे, इसी एड्रेस को दोनों चिप पे एक साथ भेजेंगे, दोनों चिप को एक साथ पैरेलल एक्सेस करेंगे उसी एड्रेस पे जो एड्रेस सीपीयू ने दिया। अब उस एड्रेस पे हमें क्या मिलेगा, 8 बिट यहां से मिलेंगे, 8 बिट यहां से मिलेंगे, टोटल 16 बिट हम एक्सेस कर पाएंगे। दो अलग अलग चिप पे रखी है, हां जी, बट एटलीस्ट 16 बिट हमें मिल जाएंगे। तो 8 बिट यहां, 8 बिट यहां, इस तरीके से आपको वही सेम एड्रेस लेंथ दोनों चिप से एक्सेस करने को मिलेंगी पैरेलली, और 8-8 बिट 16 बिट हमें एक साथ एक्सेस करने को मिल जाएंगी। दैट इज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब अगर हमें सब दोनों की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो कि मुझे एड्रेस भी ज्यादा चाहिए, मुझे डेटा भी ज्यादा चाहिए, तो फिर हाइब्रिड अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाइब्रिड अरेंजमेंट मतलब मान लो कि मेमोरी का जो टारगेट मेमोरी है वो है मुझे चाहिए 256 एड्रेस, हर एक एड्रेस पर 16 बिट्स। हमारे पास अवेलेबल जो चिप्स हैं, वन चिप, इस वन चिप में एड्रेसेस 128 ही हैं
और हर एक एड्रेस पे 8 बिट ही आप रख सकते हो। तो यहां पे भी आपको डबल मेमोरी चाहिएगी वर्टिकली, यहां पे भी आपको डबल मेमोरी चाहिएगी हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली दो अरेंजमेंट, ऐसे आप एक एक अरेंजमेंट में आप देखेंगे दो दो चिप लगी है, 8 बिट यहां 8 बिट यहां, टोटल 16 बिट यहां से निकलेंगी, और 256 एड्रेस निकालने के लिए 128 यहां से 128 यहां से। इस तरीके से चार चिप आप हाइब्रिड अरेंजमेंट में निकालोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। अब एड्रेस टारगेट के हिसाब से कितनी बिट का जनरेट होगा, 8 बिट्स। हर एक चिप कितनी बिट का एड्रेस समझ सकती है, 128। तो यहां पे 7 बिट का जो एड्रेस है वो 7 बिट का एड्रेस हर एक चिप पर कॉमन जाएगा, यहां भी यह है एड्रेस। अब एक जो बिट बची है उस एक बिट को कहां भेजोगे, एक बिट को आप भेजोगे डिकोडर पे। अब एक बिट से आप डिकोडर अगर एक्सेस करोगे तो 1x2 का डिकोडर बनेगा, दो आउटपुट निकलेंगे। अब दो आउटपुट से चार चिप कैसे एक्सेस करेंगे, सर ऐसा है जी कि एक आउटपुट जो है एक पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को इनेबल कराएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने इसको एक्सेस किया यहां से खाली 8 बिट मिलेगी, मुझे 16 चाहिए, तो पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एक साथ इनेबल हो जाएगा। ये A0, A1 यहां से निकला तो ये भी इनेबल हुआ और ये भी इनेबल हुआ। दीज आर चिप सिलेक्ट, CS चिप सिलेक्ट। तो याद रखिएगा अगर हाइब्रिड अरेंजमेंट है तो आपको वर्टिकली भी अरेंजमेंट करनी है, हॉरिजॉन्टली भी अरेंजमेंट करनी है, और एक डिकोडर का आउटपुट पूरी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को एक साथ इनेबल करेगा ताकि सब पैरेलल में एक्सेस हो पाए इसी गिवन एड्रेस पे, कुछ बिट यहां कुछ बिट यहां से मिलके कलेक्टिवली हमें वो कंप्लीट डेटा मिल पाए जो हमें टारगेट में चाहिए। नेक्स्ट है DRAM का सेल अरेंजमेंट। DRAM जो कि रिफ्रेश मांगता है, कैपेसिटर्स का बना होता है, उसमें जो सेल्स होती हैं वो सेल ऐसे अरेंज होती हैं छोटी छोटी कि बहुत सारी रोज ऑफ सेल्स होती हैं, और ऐसे सेल की बहुत सारी रोज होती हैं ताकि रिफ्रेश जब करें तो एक रो एक साथ रिफ्रेश हो जाए। रिफ्रेश करने जाओ मतलब कि पूरी रोज सेल्स की एक साथ रिफ्रेश हो जाती है, ये हमें फॉर्मूला भी पता है। तो अगर हमें पूरी रैम चिप को रिफ्रेश करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार में एक पूरा रो रिफ्रेश हो गया, अगली बार में अगला रो, अगली बार में अगला रो, टोटल जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो टोटल एक चिप का रिफ्रेश टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा नंबर ऑफ रोज ऑफ सेल्स इनटू एक रिफ्रेश का टाइम। एक रिफ्रेश में कितना टाइम लग रहा है वो उसमें एक पूरी रो रिफ्रेश होगी। अगर आपको नहीं पता है मैं फिर से नोट बना के यहां लिख देता हूं, इन वन रिफ्रेश एंटायर रो ऑफ सेल्स कैन बी रिफ्रेश्ड। एक चिप के अंदर जितनी भी सेल को एक रो में अरेंज किया हुआ है वो सारी के सारी क्या हो जाएंगी, एक साथ रिफ्रेश हो जाएंगी। तो पूरी चिप को रिफ्रेश करने के लिए जितनी रोज है उतनी बार रिफ्रेश ऑपरेशन लगेगा। अगर एक चिप को रिफ्रेश करने में इतना टाइम लगेगा तो अगर हमारे पास मल्टीपल चिप्स हैं, हो सकता है हॉरिजॉन्टल में हो, वर्टिकल में हो, या हाइब्रिड अरेंजमेंट में हो, एक से ज्यादा अगर चिप हमने लगाई है ऐसी अलग 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 अलग, तो क्या उनको रिफ्रेश करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो हम लिखेंगे एन चिप का रिफ्रेश टाइम जो होगा वो होगा इक्वल टू 1 चिप के रिफ्रेश टाइम के बराबर। क्यों, क्योंकि हर एक चिप का रिफ्रेश पैरेलली होता है, अपना अपना हर किसी चिप का रिफ्रेश लॉजिक होता है, इसलिए एक चिप का रिफ्रेश टाइम के बराबर ही लगेगा। एन का मल्टीप्लीकेशन मत कर देना क्योंकि हर एक का रिफ्रेश पैरेलली हो जाता है। फिर हमने एक कंसेप्ट देखा था एसोसिएटिव मेमोरी का,
जिसको हम कंटेंट एड्रेसेबल भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे डिटेल्ड लेक्चर सुने होंगे तो वहां पे हम सीआईडी वाला एक बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल वहां देखते हैं कि इस केस में ना सेल्स का अपना एड्रेस होता नहीं है। एड्रेसेबल मेमोरी बड़ी अच्छी है, सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, उस एड्रेस पे पहुंचो, एड्रेस के अंदर कंटेंट लिखा है, एड्रेस के ऊपर जो भी उस एड्रेस पे सेल है वहां कंटेंट लिखा है उसको रीड राइट कर दो। बट यहां पे सेल का एड्रेस है नहीं तो एक्सेस कैसे करेंगे? जो सेल के अंदर कंटेंट है ना वहीं से सर्चिंग होती है। तो हर एक सेल में ना दो टाइप का कंटेंट होता है, हर एक सेल पे दो टाइप का कंटेंट होता है, इंफॉर्मेशन नंबर वन होता है और एक इंफॉर्मेशन नंबर टू होता है। इंफॉर्मेशन नंबर वन ऐसी कंटेंट है जो कि सीपीयू को पता है और इंफॉर्मेशन नंबर टू ऐसा कंटेंट है जो सीपीयू को चाहिए। तो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू अपना एक जो भी कंटेंट है जनरेट करेगा और चेक करेगा कि ये कहां पे प्रेजेंट है, यहां 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 कहां, जहां उसका कंटेंट मैच हो गया कि भैया मेरे जो मैंने जनरेट किया है कंटेंट वो यहां मैच हो रहा है, यहां पे स्टोर्ड है, तो उसका एसोसिएटेड कंटेंट सीपीयू को हम एक्सेस करने भेज देते हैं। तो यहां पे कंपैरिजन होगा कि जो ये कंटेंट है वो यहां पे प्रेजेंट है कि यहां कि यहां 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 कहां प्रेजेंट है। जहां भी प्रेजेंट है उसका एसोसिएटेड कंटेंट सीपीयू को भेज दिया जाएगा रीड राइट करने। एसोसिएटिव मेमोरी सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? जो सीपीयू ने कंटेंट जनरेट किया इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो जितनी भी सेल्स हैं सारी सेल्स में पैरेलली कंटेंट को कंपेयर किया जाता है, पैरेलली। इसीलिए ये मेमोरी बहुत फास्ट होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। इज योर लेक्चर ऑल्सो इनफ फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम? ऑफ कोर्स मोर देन इनफ फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, तो मोर देन इनफ। तो एसोसिएटिव मेमोरी जो है वो आपको इस तरीके से एक्सेस करने को मिलेगी, बट नॉट दिस लेक्चर सीरीज। दिस लेक्चर सीरीज जस्ट अ रिविजन सीरीज। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, COA 2.0 इज द सीरीज विच इज इन डिटेल। इफ यू वॉन्ट टू हैव लिटिल शॉर्टर वन देन COA क्रैश कोर्स बाय विश्वदीप, जस्ट चेक दैट आउट। COA क्रैश कोर्स बाय विश्वदीप, जस्ट चेक इट आउट। इट्स अ प्ले लिस्ट, इट्स क्वाइट इनफ फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो एसोसिएटिव मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है? आपने OS पढ़ा है, अगर आप OS पढ़ेंगे तो क्विकली समझ जाएंगे। TLB नाम की एक चीज वहां पढ़ते हैं हम, ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर। ये ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर में हम क्या करते हैं, कुछ पेज टेबल के कंटेंट को स्टोर कर लेते हैं, जिसमें होता है कि कौन सा वाला पेज कौन सी फ्रेम पे रखा हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो TLB जो है एसोसिएटिव मेमोरी की बनी होती है, जहां पे यहां पे हम रखते हैं पेज नंबर और यहां पे रखते हैं उसका पेज टेबल का एंट्री, फ्रेम नंबर समझ लो आप। तो सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, उसमें से हम पी निकाल के पेज नंबर निकाल के यहां चेक करेंगे कि हमारा जो पेज नंबर है वो कहां पे प्रेजेंट है, यहां 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 यहां, अच्छा हमारी पेज नंबर यहां मैच हो गया, तो उसका पेज टेबल एंट्री यहां से मिल जाएगा। योर एनी लेक्चर और ऑन गोइंग लाइव फॉर 24? नो, नॉट ऑन यूट्यूब बेटा। ऑन गोइंग लेक्चर्स आर नॉट देयर फॉर गेट 24। दीज आर फॉर गेट 24 बट नॉट लेक्चर्स, दीज आर रिविजन सीरीज। ये रिविजन सीरीज है जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इट्स नॉट द कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर। ओके, चलिए, तो आज का ये सेशन हमारा इतना था। कल अगले सेशन में जब हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा, मंडे हम लेंगे, मंडे को नेक्स्ट सेशन में हम कैश मेमोरी स्टार्ट करेंगे। We'll be having cache memory. चलिए, ओके, अनलॉक ऑफर चल रहा है Unacademy Plus के लिए। आप अगर टारगेट करना चाहते हैं गेट या 24-25 दोनों में से कोई भी, ये कोड लगाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे लेक्चर सीरीज के। लेक्चर सीरीज के ऑप्शन से फायदा ये है कि आपको जिस एजुकेटर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आपकी लर्निंग मेथडोलॉजी मैच होती है, वहां से आपको लर्निंग करने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको ऑफकोर्स मेरा गाइडेंस भी मिलता रहेगा। 31st अक्टूबर से आपको एक नया क्रैश कोर्स, रिविजन प्लस प्रैक्टिस कोर्स मिल रहा है रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स के नाम से, जो कि 31st अक्टूबर COA के लिए स्टार्ट हो रहा है। फिर हम दूसरे कोर्सेस के लिए भी ये लेके आएंगे, इसमें हम रिविजन कराएंगे क्विकली आपको,
और प्रैक्टिस कराएंगे। जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सीओए से, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको एक इस कोर्स में ही मिल जाएंगे, बट ये अनअकैडमी प्लस पर होने वाला है। गेट डीए का भी बैच चल रहा है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई भी 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको बस एक काम करना है, 8585858585 पे कॉल करना है, आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी, अनअकैडमी प्लस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है सब कुछ पता चल जाएगा। ये कुछ ऐसे हमारे धुरंधर स्टूडेंट्स हैं जिनके फोटोग्राफ यहाँ पे हैं, बट दीज आर नॉट ओनली अ फ्यू, दीज आर ओनली अ फ्यू, ये सब कुछ कंप्लीट स्टोरी बयान नहीं करते हैं। हमारे पास ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर मेरे पर्सनली कनेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस साल अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं और अपनी अपनी एमटेक जर्नी को आगे बढ़ा चुके हैं। आप अगर चाहें तो लिंक्डइन पे ओपन करके देख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव मेंशन्ड माय नेम। नॉट मैंने कुछ उनके लिए किया है, इट इज जस्ट अबाउट कि बाय रिस्पेक्ट और बाय फॉर सम काइंड ऑफ लव जो मेरे लिए वो शो करते हैं, आप सब लोग शो करते हैं, उसके थ्रू उन्होंने मेंशन किया है। तो दैट इज जस्ट अ स्मॉल गिफ्ट जो मेरे को वो दे सकते थे, उन्होंने दिया है। और आप देख सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स अलग 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 कॉलेजेस में एडमिशन पाएंगे, वो सारे अपने अपने मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी मंजिल की तरफ चल चुके हैं। अगले साल आपकी बारी है, और मैं चाहूंगा कि आप हर कोई जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो इस लेक्चर को सुन रहा है, वो हर कोई उस मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल की प्लेलिस्ट और कंटेंट को। फिर मिलेंगे आप सब लोगों से अगले सेशन में। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो कर लेना, ताकि कोई भी नया वीडियो आए, नया सेशन आए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।